that they would understand that he was a holy God. कि वे लोग इस बात को समझे कि वह एक पवित्र परमेश्वर है. And when he told them that you are my witnesses on the earth, और जब उसने उन लोगों से कहा कि तुम संसार पे मेरे गवाह हो गए, they were to demonstrate to the world the truth of God's holiness. तो उन्हें संसार के सामने परमेश्वर की पवित्रता को प्रदर्शित करना था. But the Lord had a complaint against them. लेकिन परमेश्वर ने उनके विरोध में शिकायत किया. You read that in Romans chapter 2. और इस बात को हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय में 24 वचन में. The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. और तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा अन्य जातियों के बीच में होती है. This is quoted in Romans 2 verse 24. और रोमियो 2 के 24 में यह वचन पाया जाता है. And Isaiah 52 in the Old Testament and verse 5. और पुराने नियम में यशायाह 55 अध्याय उसके दूसरे वचन में भी. The name of the Lord is dishonored. Was dishonored in the world because of the way the Israelites were living. और जिस रीति से इस्राएली लोग जीवन जी रहे थे उसके वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा पूरे संसार में हो रही थी. The first prayer that the Lord taught us to pray was, "Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name." सबसे पहली प्रार्थना जिसे परमेश्वर ने प्रभु ने हमें करनी सिखाई वह यह थी कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. Now, I would say that most Christians do not make that number one prayer of theirs. और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मसीही लोग इस प्रार्थना को अपने जीवन की प्रथम प्रार्थना नहीं बनाते हैं. Many of you may be praying that Tamil Nadu will be saved. बहुत सारे लोग आप में से प्रार्थना करते हैं कि तमिलनाडु बचाया जाए. India will be saved. भारत देश बचाया जाए. There are preachers in America who say America must repent. और अमेरिका में अनेक प्रचारक ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमेरिका को मन फिराना अनिवार्य है. These are all people who have not read God's word. और ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा है. You can't go to Afghanistan and say Afghanistan must repent. आप अफगानिस्तान जाकर के नहीं कह सकते हो कि अफगानिस्तान को मन फिराना है. Or Iraq repent. या इराक को मन फिराना है. It's just as foolish to say America must repent. और यह उतनी ही मूर्खता की बात है जब हम कहते हैं कि अमेरिका को मन फिराना है. Or India must repent. या भारत देश को मन फिराना है. No. नहीं. It's an individual who repents, not a nation. यह एक व्यक्ति विशेष है जो मन फिराता है ना कि एक राष्ट्र. Many people have not understood the difference between old covenant and new covenant. बहुत सारे लोगों ने पुरानी वाचा और नई वाचा के अंतर को नहीं समझा है. 90% of believers don't have a clue that new covenant, old covenant has been abolished. 90% विश्वासियों को तो यह पता ही नहीं है कि पुरानी वाचा जो है वह समाप्त हो चुकी है, जीर्ण हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है. There was a certain way in which God dealt with the world in old covenant time. पुरानी वाचा के समय में परमेश्वर एक विशेष रीति से संसार के साथ व्यवहार करता था. And that is why he would send the prophets to even preach against the nations in the Old Testament. तभी तो उसने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को भेजा कि वे राष्ट्रों के विरोध में भविष्यवाणी करें. Jeremiah and all would preach against the nations. यर्मिया और बाकी भविष्यवक्ता राष्ट्रों के विरोध में भविष्यवाणी करते थे. Some message to Moab and Ammon and Egypt and all that. और मोआब के लिए, अम्मोन के लिए, मिस्र के लिए कोई ना कोई संदेश होता था. Not in the new covenant. लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है. Paul didn't have any message for Rome. पौलुस के पास रोम देश के लिए कोई संदेश नहीं था. He didn't even have a message for Israel. उसके पास तो इसराइल के लिए भी संदेश नहीं था. There's no message for India in the Bible. और बाइबल में इंडिया के लिए भी कोई संदेश नहीं है. There's no message for any country in the New Testament. और नए नियम में किसी भी देश के लिए कोई संदेश नहीं है. Today, the Bible says God is calling out of all the nations a people for His name. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर एक राष्ट्रों में से अपने नाम की महिमा के लिए लोगों को बुला रहा है. That is the reason why God is calling people. और यही कारण है क्यों परमेश्वर लोगों को बुलाता है. You, if you understand that, it's very clearly written in Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है. In Acts chapter 15. प्रेरितों के काम 15 अध्याय. This is when the apostles were discussing together. और यह उस समय की बात है जब प्रेरित एक साथ बातचीत कर रहे थे. See here in Acts 15. प्रेरितों के काम 15 अध्याय में देखेंगे.
verse 16 onwards. 16 वचन से आगे हम पढ़ेंगे और 14 वचन से आगे हम पढ़ेंगे. Acts 15:14. प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसके 14 वचन से आगे. Peter has related how God first concerned himself about taking from among all the nations of people for his name. शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोक बना ले. Very important verse. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. God is not calling a nation. परमेश्वर राष्ट्र को नहीं बुला रहा है. The Old Testament he had dealt with a nation. पुरानी वाचा में उसने राष्ट्रों के साथ व्यवहार किया है. To many nations. और उसने बहुत राष्ट्रों से बातचीत किया था. Today God doesn't have any message for India or Afghanistan or America or anything. लेकिन आज परमेश्वर के पास भारत अफगानिस्तान या अमेरिका देश के लिए कोई विशेष संदेश नहीं है. God's message is the same for the whole all the people in the world. और परमेश्वर का संदेश संसार के हर एक लोगों के लिए एक समान है. Out of all the billions of people and all the countries in the world. और संसार के करोड़ों लाखों लोगों में से परमेश्वर क्या कह रहा है? सारे राष्ट्रों से God क्या कह रहा है? God is calling out a people for his name. परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए लोगों को उनमें से बाहर बुला रहा है. So the apostle Peter when he preached on the day of इसलिए प्रेरित पत्रस ने जब वह पेंटिकुस्त के दिन प्रचार कर रहा था तो वहाँ पे 17 देशों का वर्णन किया गया है. They're all listed there. और वहाँ पे सबका नाम And लिखा है to them. और पत्रस उनसे प्रचार किया. और उसके पास ये राष्ट्र या वो राष्ट्र या उस राष्ट्र के लिए संदेश नहीं था. It was for the individuals who were there. परंतु वह उन व्यक्ति विशेष लोगों के लिए था जो वहाँ पे थे. Which of the 17 nations you are from? इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से 17 देशों में से एक देश से हैं. The message of the Lord is repent. परमेश्वर का जो संदेश आपके लिए वही है कि मन फिराओ. Acts 2:38. प्रेरितों के काम 2:38. So, out of all those nations, God is calling out those who will respond to the message of repentance. और परमेश्वर इन राष्ट्रों में से उन लोगों को बुला रहा है जो उसके पश्चाताप के संदेश का प्रत्युत्तर देंगे. Like it says here. जैसे यहाँ पे कहता है. Out of the nations, He's calling out a people. और राष्ट्रों में से वह लोगों को बुला रहा है. For what? किस कारण के लिए बुला रहा है? That they might go to heaven. इससे नहीं कि वे लोग स्वर्ग को जाएं. Biggest false teachings in Christianity. और आज मसीहत में सबसे बड़ी झूठी शिक्षा है जो फैली है. Propagated by evangelists. जिसे सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा मसीहत में आज फैलाया गया है. God's main aim is to take you to heaven. कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य आपको स्वर्ग लेकर के जाना है. God's main aim is to save you from hell. और परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य आपको नरक से बचाना है. Many people are preaching a man-centered gospel. और बहुत सारे लोग एक ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं जो मनुष्य के ऊपर केंद्रित सुसमाचार है. We need to understand the falsehood of the man-centered gospel. और हमें मनुष्य केंद्रित सुसमाचार के झूठ को समझना है. That the most important thing is your interest. सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी दिलचस्पी. That is like saying, Our Father who art in heaven, hallowed be my name. और इस प्रकार से कहना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, मेरा नाम पवित्र माना जाए. My kingdom come. मेरा राज्य आए. My will be done. मेरी इच्छा पूरी होवे. That is the spirit of Adam. यही तो आदम की आत्मा है. Father in heaven. स्वर्गीय पिता. Take care of my name. मेरे नाम की तू परवाह करना. Take care of my kingdom. और मेरे राज्य की तू चिंता करना. Take care, help me to do my will. और मेरी सहायता करने की अपनी योजना पूरी कर सकूं. That is exactly what the devil wants you to do. और यही तो शैतान चाहता है कि आप करें. Jesus taught us to pray the opposite. और यीशु मसीह ने हमें इसके विपरीत प्रार्थना करना सिखाया है. God's message is not how to go to heaven. और परमेश्वर का संदेश यानी कि कैसे स्वर्ग जाया जाए. No. नहीं. If you are preaching that gospel, that's a wrong gospel. यदि आप ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो तो वह एक गलत सुसमाचार है. God is calling out a people so that His name can be hallowed on this earth. परमेश्वर लोगों को इसलिए बुला रहा है ताकि उसका नाम पृथ्वी पे पाक माना जाए, पवित्र माना is जाए. Is that what you're preaching? क्या आप इसी बात का प्रचार करते हैं? Don't build a church to tell make getting ready people to go to heaven. यदि आप लोगों को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करेंगे तो आप कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाएंगे. God wants to make people who are becoming like Jesus Christ. Yeah. परमेश्वर ऐसे लोगों को निर्माण करना चाहता है जो यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं. और इसीलिए तो हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है. In question answer time, people ask this question. और अनेक बार प्रश्न उत्तर के सत्र में लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं. Do I need to be baptized in the Holy Spirit to go to heaven? क्या स्वर्ग जाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना अनिवार्य है? You should not be interested in going to heaven. तो मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें स्वर्ग जाने में कोई दिलचस्पी होनी ही नहीं चाहिए.
You should be ashamed that you are dishonoring God's name on earth. और आपको इस बात के लिए शर्मसार होना चाहिए कि आपकी वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है. Aim should be to glorify God's name on earth now. और आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अब आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें संसार में रहते हुए. But forget about going to heaven. स्वर्ग जाने के विषय में भूल जाइए. You have dishonored God's name on earth. Now you must glorify God's name on earth. आपने परमेश्वर के नाम की निंदा की है संसार में रहते हुए. अब आपको परमेश्वर के नाम की निंदा करना है, प्रशंसा करना है. God, not in man. और जो सुसमाचार है वो परमेश्वर पे केंद्रित है, मनुष्य पे केंद्रित नहीं है. The big trick of the devil who has used so many preachers to change that center to man. और ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है जिसने इस को शैतान को इस्तेमाल किया कि उस केंद्र को मनुष्य के ऊपर केंद्रित कर दिया बिंदु को. God a servant of man instead of man being a servant of God. और उसने परमेश्वर को मनुष्य का दास बना दिया है ना कि मनुष्य को परमेश्वर का दास बनाया है. There is a tale called Aladdin and the Magic Lamp. और एक पुरानी कहानी है जिसे हम कहते हैं अलादीन और उसके चिराग, जादुई चिराग की कहानी. You know, if you have read it, it is like this. और यदि आपने उसे पढ़ा तो कहानी इस प्रकार से है. You rub that lamp. और आप उस चिराग को रगड़ते हैं. Suddenly one demon-like person will come. और अचानक से दुष्टात्मा समान जीनी प्रकट हो जाता है. Master, what do you want me to do? और कहता है स्वामी तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? I want a palace. मैं वो कहता मुझे महल दे दे. और वो उसके लिए महल बना देता है. Every time he wants something, he just rubs that lamp. जितने बार उसको कुछ चाहिए होता है वो चिराग को रगड़ता है. This big genie will come and say, "What do you want me to do, master?" और ये बड़ा जीनी आकर के कहता है, स्वामी मैं तेरे लिए क्या करूं? This is the type of gospel that many people are preaching. और यही तो वह सुसमाचार है जिसे आज बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं. Name of Jesus is like some type of magic lamp. और यीशु मसीह का नाम तो किसी जादुई चिराग के समान बना दिया है जिसे आप रगड़ते हैं. God will come and say, "Yes, sir, master, what do you want me to do?" और परमेश्वर आकर के कहता है, स्वामी मैं तेरे लिए क्या करूं इस समय? Do this for me. और आप कहते हैं ये काम कर मेरे लिए. I will do it. तो वो कहता है हाँ मैं इस काम को करूंगा और वो चला जाता है. In the name of Jesus and God appears, what do you want me to do? और फिर से हम रगड़ते हैं यीशु के नाम में और परमेश्वर प्रकट होता है और कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? कहते हैं ये कर. क्या इसी रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं? God must do this and God must do that. परमेश्वर को ये करना है, उसको वो करना है. That is how many preachers are preaching. और इसी रीति से बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं कि यीशु के नाम में तुम ऐसा मांगो. And command God. और परमेश्वर को तुम आज्ञा दो कहते हैं. Come on, give me money. हे परमेश्वर मुझे पैसे दे. Make my church a big church. मेरे कलीसिया को बड़ी कलीसिया बना दे. Make it a big, give me a big building. और मुझे बड़ा भवन दे दे. Give me a new car. मुझे नई कार दे दे. And the car must be blue color. और कार का रंग नीले रंग का होना चाहिए. This is old Aladdin and the magic lamp story which we read as children. और यह तो पुराने अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी जिसे हमने बचपन में पढ़ा था. Don't you admire the devil for what a work he has done that he has made Christian preachers preach about Aladdin and the magic lamp? और क्या आप शैतान की सराहना नहीं करते कि उसने कितना चतुराई से कार्य किया कि उसने मसीही प्रचारकों को अलादीन और उसके जादुई चिराग के विषय में प्रचार करवाया है? What a fantastic person the devil he is. Not only he has got his own servants, he has made Christian preachers preach this rubbish. और शैतान कितना अद्भुत व्यक्ति है कि उसके ना केवल उसके स्वयं के सेवक हैं परंतु उसने प्रचारकों को भी अपना सेवक बना लिया है. It's possible that some of you have got that gospel in your head. और यह संभव हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने उस सुसमाचार को सुना है. God is my servant. कि परमेश्वर मेरा नौकर है. I can ask in the name of Jesus. और मैं यीशु के नाम से कुछ भी मांग सकता हूं. Take me to heaven. और मुझे स्वर्ग ले जाएगा. Heal my sickness. मेरी बीमारी को चंगा करेगा. Give me money. परमेश्वर मुझे पैसा देगा. Preaching to this. और बहुत सारे प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं. Come to Jesus. यीशु के पास आओ. He will give you money. वो तुझे पैसा देगा. वो स्वास्थ्य देगा. All types of earthly things. और सारी भौतिक आशीष देगा तुझे. He can he do miracles for you. वो तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा. He can do every miracle the preacher says. और प्रचारक जो भी कहता है वो सारा आश्चर्य कर्म वो करेगा. He'll give you money. वो तुझे पैसा देगा. But he can't give me money. परंतु वो मुझ प्रचारक को पैसा नहीं दे सकता. वो आप लोगों को देना पड़ेगा चंदा करके. What type of God is this? किस प्रकार का परमेश्वर है ये? He'll give you money, but he can't give me money. वो तुम लोगों को पैसा दे सकता है लेकिन मुझ प्रचारक को नहीं दे सकता. You people must collect and give me money. आप लोगों को चंदा करके मुझे पैसा देना है. Stupid believers who believe this deception. और ये मूर्ख विश्वासी लोग वहां पे बैठे बैठे इस धोखे के ऊपर विश्वास करते हैं. Any ordinary unconverted person will see through this deception such people preach. और कोई भी अन्य जाति अविश्वासी व्यक्ति इस धोखे को देख करके पहचान सकता है. But you listen to all these preachers. लेकिन आप ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं. They all preach this on television. और वे सारी बातें टीवी में प्रचार करते हैं. God can give you money. परमेश्वर तुम्हें पैसा दे सकता है. For my money you must give a collection and लेकिन मेरे लिए तुमको चंदा करके पैसा Can't देना you है. See the hollowness of that? क्या आप इस सुसमाचार के खोखलेपन को नहीं देखते हैं? Pastors who are preaching that? और बहुत सारे प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं. Because it's a man-centered gospel. क्योंकि यह मनुष्य केंद्रित सुसमाचार है. God is like Aladdin's genie, ready to do anything for. और परमेश्वर जो है वो अलादीन के जीनी के समान है जो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है वैसा कहते हैं.
Oh, listen to this. इस बात को सुनिए. God is calling out of the nations a people for His name. परमेश्वर राष्ट्रों में से अपने नाम के लिए लोगों को बुला रहा है. He is not calling any nation to repent. वो किसी राष्ट्र को मन फिराव के लिए नहीं बुला रहा है. Nation to repent means who will repent? राष्ट्र मन फिराए मतलब कौन मन फिराए? President has got to repent. क्या राष्ट्रपति को मन फिराना है? This is not the days of Jonah where Jonah went to Nineveh and told Nineveh to repent. ये योना के दिन नहीं है जब योना निनवेगर निनवे राष्ट्र को मन फिराने के लिए कहा. God is not dealing with nations today. और आज परमेश्वर राष्ट्रों के साथ बर्ताव नहीं कर रहा है. He's dealing with individuals. वो व्यक्ति विशेष के संग बर्ताव कर रहा है. He's dealing with a group. It is the church. यदि वो किसी समूह के साथ बर्ताव कर रहा है तो वो कलीसिया है. Yeah, he can tell the church to repent. हाँ, वो कलीसिया से कह सकता है मन फिराने को. Back in Revelation chapter 2 and chapter 3, you read that. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में हम इन बातों को पढ़ते हैं. He preaches. The Lord says to John, send this message to this church, this church, this church. परमेश्वर यहुन्ना को कहता है कि इस कलीसिया को यह संदेश भेज, यह संदेश भेज. And to the leaders of the church. और कलीसिया के प्राचीनों को संदेश भेज. Repent, repent, repent. मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ. Whom is the Lord asking to repent? परमेश्वर किसे मन फिराने को कह रहा है? The elders. प्राचीनों को. All the elders. सारे प्राचीनों को. Then the church. और फिर कलीसिया को. He is not asking any nation to repent. वो किसी राष्ट्र को नहीं कह रहा है मन फिराने को. Individuals in every part of the world, repent and turn from your sin. लेकिन संसार के हर कोने में वह एक-एक व्यक्ति को कह रहा है मन फिराने को. Individuals. व्यक्ति विशेष को. You see, the great tragedy today is that we have a whole generation of Christians who have not studied the Bible. और सबसे दुखद बात आज हमारे पास यह है कि आज हमारे पास मसीही लोगों की ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने बाइबल को कभी पढ़ा ही नहीं है. That is why all these television preachers can fool these Christians. इसीलिए तो ये सारे टीवी के प्रचारक मसीहियों को मूर्ख बनाते हैं. Can't fool me because I know the Bible. और मैं मुझे मूर्ख नहीं बनाते क्योंकि मुझे बाइबल मालूम है. I hope you in our churches will study the Bible so that they cannot fool you. और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हमारी कलीसिया में बाइबल को पढ़ेंगे ताकि ऐसे लोग आपको मूर्ख ना बनाएं. The gospel is centered in God. सुसमाचार परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है. Does the gospel concern you or does it concern Jesus? क्या सुसमाचार का वास्ता आपसे है या यीशु मसीह से उसका वास्ता है? You need to understand that. आपको इसे समझना है. When we preach the gospel. जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं. तो हम कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं. Concerns God's name. यह परमेश्वर के नाम के लिए है. God's name is dishonored in India. आज भारत देश में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है. Name of Jesus is dishonored in Tamil Nadu. आज तमिलनाडु में यीशु के नाम की निंदा हो रही है. God wants a people who will glorify His name. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके नाम की महिमा करें. God wants your home to glorify His name. परमेश्वर चाहता है कि आपका घर उसके नाम की महिमा करे. See Romans chapter 1. रोमियो की पत्री 1 अध्याय को देखेंगे. Paul says, I am a bond servant of Jesus Christ. पौलुस कहता है मैं मसीह यीशु का बंधवा मजदूर हूँ. I am not here to preach any gospel any man tells me. और मैं यहाँ पे किसी मनुष्य के अनुसार बताए गए सुसमाचार बताने नहीं आया हूँ. मैं भी वही कहता हूँ. Bond servant of Jesus Christ. मैं भी मसीह यीशु का बंधवा मजदूर हूँ. Paul said, I am set apart for the gospel of God. और वह कहते हैं मसीह के सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूँ. This gospel, verse 2, was promised long ago by the prophets in the Holy Scriptures. और दो वचन में कहता है जिसकी पहले से प्रतिज्ञा की गई थी पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस सुसमाचार की. And whom does this gospel concern? और यह सुसमाचार किसके विषय में है? See verse 3. तीसरे वचन. It concerns his son Jesus Christ. तीसरे वचन में कहता है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में है यह सुसमाचार. It is not a gospel about me and you. या आपके और मेरे विषय का सुसमाचार नहीं है. Which is the gospel you preach? कौन से सुसमाचार का आप प्रचार करते हैं? Are you following the empty traditions of today's preacher? क्या आप आजकल के प्रचारकों के खोखली परंपराओं के पीछे जा रहे हैं? क्या तुम्हें नरक से बचना है? God, the genie of Aladdin's lamp has come. और परमेश्वर जो अलादीन के लैंप का जीनी वो आ गया है. Ask him. उससे मांगो. He will do anything for you. वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा. Stop preaching that gospel. ऐसे सुसमाचार का प्रचार करना बंद करें. Tell people you have dishonored God's name in your life. और लोगों से कहे कि तुमने अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की निंदा किया है. God's name must be honored. और अब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी है. Turn back and honor His name. और मन फिरा करके उसके नाम की आदर करें. Good news concerns His son. और जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह से संबंध रखता है. God sent the Holy Spirit on earth just like Abraham sent His servant to Mesopotamia. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस संसार में वैसे ही भेजा जैसे अब्राहम ने अपने सेवक को मेसोपोटामिया भेजा. In Genesis 24. और उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय में हम देखते हैं. Abraham sent his servant to Mesopotamia. और अब्राहम ने अपने सेवक को मेसोपोटामिया भेजा. To Ur of the Chaldees, that nation. और कसदियों के ऊर देश में भेजा अब्राहम ने. What did he go for? और किस लिए वह वहां गया था? He said, "Go and find a bride for my son Isaac."
और उसने कहा था जाकर के वहां मेरे बेटे इसहाक के लिए तू एक दुल्हन खोजना, पत्नी खोजना। That is how God has sent the Holy Spirit. और इसी रीति से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है। Father has sent the Spirit into the world. पिता ने पवित्र आत्मा को संसार में भेजा है। And says, find a bride for my son Jesus Christ. और उसे कहा है कि मेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए दुल्हन खोज। The Holy Spirit has not come here to give us thrills. और पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे रोमांच देने के लिए नहीं आया All है। People say, I got an electric shock. और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बिजली का झटका लगा है। Threw me there and threw me here. और पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ पटका, यहाँ पटका। Made me speak in tongues. और मुझे अन्य भाषा में बोलवाया। That's not the primary purpose. The Holy Spirit has come. अरे पवित्र आत्मा के आने का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। He came to find a bride for Jesus Christ. और वह इसलिए आया है कि यीशु मसीह के लिए दुल्हन को लेकर के आए। Abraham's servant went there and looked. और अब्राहम का सेवक वहां जाकर के देखता है And prayed to God, God guide me to the right person. और परमेश्वर से प्रार्थना करता है मुझे सही व्यक्ति के पास लेकर के जाए। And Rebecca, और उसे रेबेका मिलती है। And took her back to Isaac. और रेबेका को वापस इसहाक के पास ले जाता है। Spirit, he didn't take all the girls in Mesopotamia back. और उसने मेसोपोटामिया की सारी लड़कियों को वापस लेकर के नहीं गया। He took one. उसने एक ही को ले गया। God is seeking for those who will be the bride of Jesus Christ on this earth. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो यीशु मसीह की दुल्हन हो सकते हैं संसार में। And the Holy Spirit is preparing them. और पवित्र आत्मा उन्हें तैयार कर रहा है। And on the journey back, Abraham's servant must have been talking to Rebecca about Isaac all the time. और वापसी की यात्रा में जो इब्राहिम का सेवक था वो रेबिका से केवल इसहाक के विषय में ही बातचीत करता आ रहा होगा। The Holy Spirit will always speak to us about Jesus. और पवित्र आत्मा हमसे हमेशा यीशु के विषय में बोलेगा। It's a long journey that we have to walk before that we have to go before we reach the marriage. और वो कहेगा विवाह के पहले हमें बड़ी लंबी यात्रा करके जाना है, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा। Is the Holy Spirit telling you more and more about Jesus every day? और क्या पवित्र आत्मा आपको दिन प्रतिदिन यीशु के विषय में और अधिक बातें बताता है? I'm so excited. मैं बहुत ही रोमांचित हूं। Even in the last one or two weeks, the Holy Spirit has shown me new things about Jesus I never saw in 50 years. अभी तक 2-3 सप्ताह में पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु मसीह से संबंधित ऐसी-ऐसी बातें दिखाई जिसे मैंने बीते 50 वर्षों में नहीं जाना था। The Holy Spirit showing you something new about Jesus. Yes. क्या पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के विषय में नई बातें दिखा रहा है? Those things are very intimate and personal. और उनमें से कई बातें तो बहुत ही गोपनीय होती हैं, बहुत ही इंटीमेट होती हैं। The Lord shows you this area. You have not yet become like Jesus. और परमेश्वर आपको दिखाता है कि यह क्षेत्र में आप अभी भी मसीह यीशु के समान नहीं बने हो। Jesus is like. और यीशु मसीह इस प्रकार का है। And then comes a great longing in me to be like him in that area. और तब मेरे हृदय में एक बड़ी लालसा आ जाती है कि मैं मसीह यीशु के समान बनूं। Because the gospel does not concern me. क्योंकि जो सुसमाचार है उसका वास्ता मुझसे नहीं है। Jesus Christ. सुसमाचार का वास्ता यीशु से है। And he wants my life to glorify him. और वह चाहता है कि मेरा जीवन उसकी महिमा करे। Do you know that this is what God has always looked for on the earth? क्या आप जानते हैं परमेश्वर केवल इस ही बात को देखता है संसार में? You heard me say that the first book in the Bible is the book of Job. और आपने मेरे मुख से सुना है कि बाइबल की सबसे प्रथम पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है जो लिखी गई। And if you have not understood the reason for that, और यदि आपने उसके अर्थ को नहीं समझा है तो उसके कारण को। Genesis was not written by Adam, it was written by Moses. और जो उत्पत्ति की पुस्तक है वो आदम के द्वारा नहीं परंतु मूसा के द्वारा लिखी गई। It was written 2500 years after Adam. और अब्राहम आदम से 2500 साल बाद लिखी गई। The book of Genesis was written 2500 years after Adam. उत्पत्ति की पुस्तक आदम के 2500 साल बाद लिखी गई। But the book of Job was written before that. परंतु अय्यूब की पुस्तक उससे पहले लिखी गई। Because Job lived long before Moses. क्योंकि जो अय्यूब था वो मूसा से अनेक वर्ष पहले रहा करता था। Israel. और उसका इसराइल से कोई संबंध नहीं था। He may have lived around the same time as Abraham or Melchizedek or something like that. वो अब्राहम या मेलकीसेदेक के समतुल्य ही समय काल में रहा करता था। In Abraham's time, there were other people who knew about God. आपको पता है अब्राहम के समय भी और भी बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के बारे में जानते थे। Melchizedek was one of them. मेलकीसेदेक उनमें से एक था। Job also may have been one of them in another country. और दूसरे देश में अय्यूब भी रहा होगा जो परमेश्वर को जानता था। And the book of Job. और अय्यूब की जो पुस्तक है long before Genesis. और उत्पत्ति की पुस्तक से बहुत पहले लिखी गई है। It's the first book that God wrote for man. और यह सबसे पहली पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए लिखा। And it has no connection with Israel. और इसका इसराइल से कोई संबंध नहीं है। There's no mention of Abraham, Isaac, Jacob, Israel, nothing in this book. और इस पुस्तक में इसहाक का, अब्राहम का, याकूब का कोई वर्णन नहीं है इसराइल का। All the other 65 books of the Bible have got some connection, some mention of Israel or something. और बाइबल की बाकी 65 पुस्तकों में इसराइल का या याकूब का, अब्राहम का कोई ना कोई वर्णन है। Not Job. परंतु अय्यूब की पुस्तक में नहीं। Long before there was any Abraham or Israel. क्योंकि अब्राहम और इसराइल के बहुत पहले ही यह पुस्तक लिखी गई थी।
And it's very interesting that when God decided to write a book for man, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पुस्तक लिखना चाहा, He doesn't write about a nation, तो उसने राष्ट्र के विषय में नहीं लिखा, He writes about a man. वह एक व्यक्ति के विषय में लिखता है. Understand that. इस बात को समझिए. When God wrote his first book, जब परमेश्वर ने अपनी प्रथम पुस्तक लिखा, He writes about a man whom he can boast to Satan about. और उसने ऐसे पुरुष के विषय में लिखा जिसके लिए वो शैतान के सामने घमंड कर सकता है. In the midst of so many religious hypocrites, और इतने सारे धर्मी पाखंडियों के बीच में, In the midst of so many people who are following the devil, और इतने सारे लोगों के मध्य में जो शैतान का अनुसरण करते हैं, He can boast about one man. वह एक मनुष्य के विषय में घमंड कर सकता है परमेश्वर. When you read that, जब आप इसे पढ़ते हैं, What is it that grips your heart? तो वो कौन सी बात है जो आपके हृदय को जकड़ती है? Lord, I want to be a man like that. प्रभु जी, मैं भी एक ऐसा मनुष्य बनना चाहता हूँ. And you know, he could not boast about Job's wife. और आप जानते हैं कि वह ऐसा घमंड अय्यूब की पत्नी के विषय में ना कर सका. He didn't tell Satan, "Have you seen Job's wife? What a God-fearing woman she is." और वह शैतान से यह नहीं कह पाए कि क्या तूने अय्यूब की पत्नी को देखा कि कैसा वह मेरा भय मानती है. So don't be discouraged if your wife is not converted. और इसलिए आप उदास न हो यदि आपकी पत्नी का नया जन्म नहीं हुआ है. Don't be discouraged if your husband is not converted. और आप उदास न हो यदि आपके पति का नया जन्म नहीं हुआ है. See if God can boast about you. और देखें कि क्या परमेश्वर आपके विषय में घमंड कर सकता है. God did not hold Job responsible because his wife is so godless. और परमेश्वर ने अय्यूब को दोषी नहीं ठहराया क्योंकि उसकी पत्नी अधर्मी थी. He is looking at you. वह आपको देख रहा है. First of all you. सर्वप्रथम आपको देख रहा है. Build a good home, praise the Lord. यदि आप एक अच्छे घर का निर्माण कर सकते हैं तो प्रभु की स्तुति हो. But you are not responsible for your wife or husband. That is one thing you must learn from the book of Job. अय्यूब की पुस्तक से आपको यह बात सीखना है कि आप अपने पति या पत्नी के जीवन के लिए या उनके नए जन्म के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. परंतु you are responsible for your children. परंतु आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं. Job brought up his 10 children in a good way, even though his wife was not so God-fearing. अय्यूब ने अपने 10 बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर के भय में किया यद्यपि उसकी पत्नी अविश्वासी थी. Don't blame your husband or wife if your children are not God-fearing. यदि आपके बच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते तो आप अपने पति पत्नी को दोष मत दो. What a man he was that he had a godless wife and he brought up his 10 children. और कैसा अद्भुत मनुष्य वह था कि उसकी पत्नी अभक्ति वाली थी लेकिन उसके दसों के दसों बच्चों को उसने परमेश्वर के भय में बड़ा किया था. Timothy's mother was like that. तिमोथियस की माँ भी ऐसी ही थी. Her husband was not even a Jew, a Greek businessman who was only interested in money. और उसका जो पति था वह यूनानी था, यहूदी भी नहीं था और वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था. Timothy's mother brought up her son in such a good way. और तिमोथियस की माँ ने अपने बेटे को इतने अद्भुत रीति से बड़ा किया था. Before he was 20 years old, Paul said, "He's good enough to be my co-worker." इससे पहले कि तिमोथियस 20 साल का होता, पौलुस ने कहा मुझे यह मेरा सहकर्मी के तौर पे चाहिए. What a wonderful thing! कितनी अद्भुत बात है ये. If you and I could bring up a son in such a way that by the time he's 20 years old, the apostle Paul says he's good enough to be my co-worker. यदि आप और मैं अपने बच्चे का, अपने बेटे का इस रीति से परमेश्वर के भय में बड़ा करते कि जब वो 20 साल का हो तो प्रेरित पौलुस आकर के कहे कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़का मेरा सहकर्मी बने. In the New Testament, नए नियम में, a woman, एक स्त्री, by herself, केवल अकेले ही, with a godless husband. और एक भक्तिमय हस्बैंड के साथ रहते हुए son in such a good way, और अपने बच्चे का इतने अच्छे से पालन पोषण किया बेटे का. The greatest apostle on earth said, "This chap is fit to be my co-worker." और जो संसार का सबसे बड़ा प्रेरित था उसने कहा कि यह लड़का मेरा सहकर्मी बनने के लिए तैयार है. You may not have a responsibility for your wife or your husband. आपको आपके पति या पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है. But you have a responsibility for your children. परंतु आपको आपके बच्चों के लिए जिम्मेदारी है. God will never ask you, "Why is your wife like that? Why is your husband like that?" परमेश्वर आपसे कभी नहीं पूछेगा आपकी पत्नी ऐसी क्यों है, आपका पति ऐसा क्यों है. He'll ask you, "Why are you like that?" वो पूछेगा आप ऐसे क्यों हो. He'll ask you, "Why didn't you bring up your children like?" और पूछेगा कि आपने अपने बच्चों को सही रीति से क्यों नहीं भाई किया. You cannot give this excuse, "Oh Lord, my wife did not cooperate, my husband did not cooperate." तब आप ऐसा उदाहरण परमेश्वर के सामने नहीं दे सकते बहाना कि मेरे पति पत्नी ने सहयोग नहीं किया. He'll say, "Look at Job." वो कहेगा अय्यूब को देख. Even the Holy Spirit like you have. उसके पास तो तेरे पास तेरे जैसे पवित्र आत्मा भी नहीं था. 10 children more than you have. और उसके पास 10 बच्चे थे, तेरे से ज्यादा बच्चे थे. So you have no excuse. इसे तेरे पास कोई बहाना नहीं है. Look at Timothy's mother. तिमोथियस की माँ को देख. She didn't have so much fellowship and Bible studies and conference like you have. और तेरे जैसे उसके पास Bible study, conference और meeting नहीं हुआ करते थे. So what excuse do you have for not bringing up your children in a godly way? इसलिए आपके पास क्या बहाना है कि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा नहीं किया है? See what it says here about Job. अय्यूब के विषय में क्या कहता है उसे देखेंगे. There are a number of things mentioned about him. और यहाँ पे बहुत सारी बातें उसके विषय में हैं. Very interesting. Remember, these are the first words of Scripture. God is speaking from heaven. याद रखें कि अब पवित्र शास्त्र का सबसे पहला वचन है जिसे परमेश्वर स्वर्ग से बोल रहा है. First words of Scripture.
पवित्र शास्त्र के सबसे पहले वचन है ये. There was a man. एक पुरुष था. Those are the first words of scripture. ये बाइबल के सबसे पहले वचन है. There was a woman. और एक स्त्री थी. There was a man. एक पुरुष था. What about him? उसके विषय में क्या लिखा है? He was blameless. वह निर्दोष था. Verse 1. पहले वचन में कहता है युब एक के एक में. Upright. और वह खरा था. Fearing God. परमेश्वर का भय मानता था. Turning away from evil. और बुराई से दूर हटता था. What type of person is God looking for? परमेश्वर कैसे लोगों को देख रहा है? Blameless. निर्दोष. Means to the best of his knowledge he is staying away from sin. अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी समझ के अनुसार अधिक से अधिक पाप से दूर रहता है. He is upright. और वह खरा पुरुष है. Devil cannot make him bend. और शैतान उसे झुका नहीं सकता है, मोड़ नहीं People सकता. Cannot make him bend. और लोग उसे नहीं झुका सकते हैं. He's upright before God. वह परमेश्वर के निकट खरा है, धर्मी है. He fears God. वो परमेश्वर का भय मानता है. He doesn't fear any man. वो किसी मनुष्य का भय नहीं मानता है. He fears the devil. वो शैतान का भय नहीं मानता है. He fears God. वो परमेश्वर का भय मानता है. He fears God, he doesn't fear anything else. और इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है. What about his attitude to evil? और दुष्टाई दुष्टता के विषय में उसका क्या आचरण है? Evil, he turns away from it. और जहां कहीं बुराई आती है वो वहां से मुड़ जाता है. That is the type of man and woman God is looking for. ऐसे ही प्रकार के स्त्री पुरुष को परमेश्वर देख रहा है. Job did not have a Bible. अय्यूब के पास बाइबल नहीं थी. He had no fellowship. उसके पास संगति नहीं थी. No conference. कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था. No meeting. कोई मीटिंग नहीं थे. But see what he says in chapter 31 verse 1. लेकिन 31 अध्याय के पहले वचन में वो क्या कहता है? I have made a covenant with my eyes. How can I gaze at a virgin? मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है और मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगा सकता हूं फिर मैं? He doesn't say how can I commit adultery. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं कैसे कुंवारी के साथ व्यभिचार कर सकता हूं. नहीं 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 नहीं. Far away from that. वो उससे बहुत दूर हो चुका था. He says how can I just look at that pretty woman? और वो कहता है मैं कैसे उस सुंदर स्त्री पे आंख लगाऊं? Just look. मैं कैसे उस पर आंख लगाऊं? I made a covenant with my eyes. मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है. God has given me a wife. परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी दिया है. I will only look at her. मैं केवल अपनी पत्नी की ओर ही निहारूंगा. How can I look at another woman? मैं कैसे किसी दूसरी स्त्री को देख सकता हूं? This is a man without Bible, without conference, without Holy Spirit. ये ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ना ही पवित्र आत्मा था, ना ही बाइबल था, ना ही कॉन्फ्रेंस थे. You think that was a small thing for God? आपको क्या लगता है परमेश्वर के लिए छोटी बात है? It was such a big thing that God could say to Satan, "Here is a man who turns away from evil." या इतनी बड़ी बात थी जिसके लिए परमेश्वर शैतान से कह सकता है कि यहाँ पे एक पुरुष है जो बुराई से हटता है. इतनी बड़ी बात थी परमेश्वर के लिए. He cared for poor people. और वह गरीबों की चिंता करता था. Sometime when you get time, you read chapter 31. और कई बार जब आपको समय मिले तो 31 अध्याय अय्यूब का पढ़ना. What a man he was. और देखना वो कैसा अद्भुत मनुष्य था. He had servants, verse 13, working for him and they could not find a single thing to complain against him. और 13 वचन में हम पढ़ते हैं उसके पास दास और दासी थे लेकिन उसने उनको किसी भी प्रकार का शिकायत का अवसर नहीं दिया. What a wonderful thing that if I have somebody working for me, they have no complaint against me. और कितनी अद्भुत बात है कि कोई मेरे लिए काम कर रहा है और उसको मेरे ऊपर कोई शिकायत नहीं है. He said, "I would not eat my food alone." Verse 17. If there was an orphan there, I would feed that orphan. और 17 वचन में कहता है मैं अपना भोजन अकेले नहीं खाता था, मैं अनाथ यदि कोई आता था तो उसके साथ बांट के खाता था. Even my enemies, verse 29, if they fell, I did not rejoice in it. और 29 वचन में कहता है यदि मेरा शत्रु गिर भी जाता था तो मैं आनंदित नहीं होता था उसके गिरने से. Verse 29. 29 वचन. What a man he was. कैसा अद्भुत मनुष्य था वो. Remember, without a Bible, without conferences, without the Holy Spirit. याद रखिए उसके पास बाइबल, पवित्र आत्मा, कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं था. God could boast about such a man. और परमेश्वर ऐसे मनुष्य के विषय में घमंड कर सकता था. Because he brought honor to his name. क्योंकि उसने उसके नाम के लिए महिमा को लेकर के आया था. And we turn back to chapter 1. और एक अध्याय में वापस आएंगे अय्यूब के. 7 sons and 3 daughters. और उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी. And he had his possessions were much. और उसकी बहुत सारी संपत्ति थी. He was one of the richest men in that area. और उस क्षेत्र में वह सबसे अमीर व्यक्ति था. Can a rich man be spiritual? और क्या एक धनी व्यक्ति आत्मिक हो सकता है? Job is the first spiritual man in the Bible and he was a rich man. और बाइबल में सबसे पहला आत्मिक व्यक्ति अय्यूब है और वह बहुत धनी व्यक्ति भी था. Paul was poor. पौलुस गरीब था. But both were spiritual. परंतु दोनों के दोनों आत्मिक थे. It has nothing to do with money. और पैसे से आत्मिकता का कोई संबंध नहीं है. It has got to do with your heart. और उसका संबंध आपके हृदय से है. And see further. और आगे हम देखते हैं Job chapter 1.
अय्यूब एक अध्याय में and verse 4 और उसके चौथे वचन में here we read about how Job's sons used to go and celebrate their birthday in each person's house और यहां पर हम पढ़ते उसके बेटे बारी-बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी बहनों को भी संग बुलाया करते थे और जब वे खत्म हो जाता था celebrate for a number of days और वो बहुत दिन तक आनंद मनाया करते थे he Job would call them verse 5 और पांचवें वचन में हम पढ़ते अय्यूब उनको बुलाता था he would get up in the morning और वो बड़े भोर को उठता था अय्यूब and he would offer some offerings to God for them और वो उनके लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था बलिदान and then he would call them and consecrate them it says in verse 5 और पांचवें वचन में कहता है वह उनको बुला करके परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट करता था अलग करता था he would pray for them और उनके लिए वह प्रार्थना करता था these are not little boys और याद रखें ये कोई छोटे-छोटे लड़के नहीं थे says in verse 4 they were all living in their own house they were all grown up people और चौथे वचन में हम पढ़ते कि वे सब अपने-अपने घर में रहा करते थे वे सब के सब व्यस्क थे he would call his grown up sons और वह अपने व्यस्क लड़कों को बुलाता था what a man he was कैसा अद्भुत मनुष्य था वो that his grown up children respected him कि उसके व्यस्क बच्चे लोग उसका आदर सम्मान करते थे So come here, my sons. I want to pray for you. और वो कहता था मेरे बच्चों मेरे पास आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा. And all the seven sons and three daughters would come to Job so that और सब के सब सात बेटे और तीनों बेटियां अय्यूब के पास आते थे ताकि वह उनके लिए प्रार्थना करे. You really brought up your children well. If when they are grown up and they've got their own houses, they will still listen to you when you call them and say, "I want to pray for you." और आपने सचमुच में अपने बच्चों का सही पालन पोषण किया यदि वे बड़े हो गए हैं अपने स्वयं के घर में रहते और जब आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाएं और यदि वे आ जाते हैं तो सचमुच में आपने एक बेहतर और अद्भुत काम किया अपने बच्चों के साथ And he says, "I want to pray for you for something." और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी बात के लिए प्रार्थना करूंगा Perhaps you may have sinned when you were having this birthday feast. और शायद तुमने भोज के समय में कोई ना कोई पाप किया होगा वो कहता है What a thing to tell your children. और कैसी बात है अपने बच्चों से कहने के लिए Perhaps you may have sinned, my children. हो सकता है कि तुमने कुछ पाप किया होगा मेरे बच्चों You may not have known it. और शायद तुमने उसे नहीं जाना होगा I don't know. मैं भी नहीं जानता हूं But I want to make sure that your sin is forgiven. परंतु मैं इस बात का निश्चय करना चाहता हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं And I am a father. I have a responsibility for you. और मैं एक पिता हूं और तुम्हारे पास तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे पास है How could we have sinned? और उन्होंने पूछा कि हमने कैसे पाप किया anybody, we didn't commit any adultery. हमने हत्या नहीं की हमने किसी को मारा पीटा नहीं हमने व्यभिचार no, नहीं किया you may have forgotten about God. नहीं तुम परमेश्वर के विषय में भूल गए होगे It's possible that you have sinned against God in your heart. और संभव है कि तूने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा my sons, it is not externally you did something. नहीं मेरे बच्चों ये कोई बाहरी पाप नहीं था जिसे तुमने किया है I am afraid that you sinned against God in your heart. और मैं इस बात से भय खाता हूं कि शायद तुमने अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति पाप look किया at the होगा next sentence in verse 5. और पांचवें वचन में अगले भाग को देखेंगे Thus Job did continually. और ऐसा अय्यूब सदैव किया करता था हमेशा किया करता था वहां पे लिखा है I want to do that continually till the Lord takes me home. और वो मैं भी इस कार्य को तब तक करना चाहता हूं जब तक कि परमेश्वर मुझे अपने गृहधाम में नहीं बुला लेता Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें आप लोग they have sinned against God in their heart. शायद उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा Don't wait till they commit sin on the outside. और तब तक के लिए ना रुके जब तक वे बाहरी तौर पे पाप करें Pray for them when you don't even know. Perhaps they have sinned against God in their heart. और तब आप प्रार्थना करें जब उन्होंने शायद हृदय में ही शायद पाप What किया होगा a man of God he was. और वो परमेश्वर का कैसा अद्भुत जन था He was not bothered whether his children were making money in their business. और वह इस बात से परवाह नहीं करता था कि उसके बच्चे उसके व्यापार में लाभ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। He didn't gather them together. So I'm going to pray for you. God will bless your business and help you in your studies. और उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे व्यापार में और तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हें संपन्न करे करके। He may have prayed for them, but that was number 10 or 12 in his list. और उन चीजों के लिए भी प्रार्थना किया होगा, लेकिन वो लिस्ट में 10वें 12वें नंबर पे था। But his number one prayer was this. लेकिन उसकी नंबर वन प्रार्थना क्या थी? My children, मेरे बच्चों, you may have sinned against God in your heart. तुमने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। I want to pray. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों Let's pray for our families like that. आज हम इस रीति से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें God has written in his first book of the Bible about a man like this. परमेश्वर ने अपने बाइबल की पहली पुस्तक में एक ऐसे मनुष्य के विषय में ही लिखा है Then Satan comes there. तब शैतान वहां पर आता है And the Lord says to Satan, Where are you coming from? Verse 7. और सातवें वचन में परमेश्वर शैतान से पूछता है तू कहां से आ रहा है roaming around the earth. तो वो कहता है मैं घूमते घामते डोलते डालते आ गया हूं He's still doing that. और मैं आपको बता दूं वो आज भी ऐसा करता है Satan is roaming around the earth. और शैतान पूरे संसार में घूमते फिरते रहता है Helping believers to accuse one another.
और विश्वासियों की सहायता करते ताकि वे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए, उनका दोषारोपण करें। Believers open their mouth and backbite against others. और वो विश्वासियों का मुंह खोलवाता है और उनको एक दूसरे के पीछे बातचीत करवाता है। To separate the elders in the churches. और कलीसिया में प्राचीनों को अलग करता है। To separate husband and wife in a home. और घर में पति और पत्नी को शैतान अलग करता है। To make believers fight for earthly things. और विश्वासियों को भौतिक वस्तुओं के लिए लड़ाई झगड़ा करवाता है। earth, और वो संसार के चारों ओर घूम रहा है। He is very successful in his work. और वो अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त किया है। I want to tell you, Satan is very successful. Now his work among believers. मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान ने अपने कार्य को जो विश्वासियों के मध्य में किया उसमें वो पूरे रीति से सफलता प्राप्त कर चुका है। God has raised up a few people now to stand against the devil. और अब परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है जो शैतान के विरोध में खड़े हो सके। That's you. और वो आप हो। And me. और मैं हूँ। God has raised us up to stand against all these activities of sin. और परमेश्वर ने हमें इसलिए खड़ा किया ताकि हम शैतान की इन गतिविधियों के विरोध में खड़े हो सकें। We're not going to hold hands with the accuser or the brothers. और हम भाइयों के दोष लगाने वाले के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। That's not our business. यह हमारा काम नहीं है। We will pray for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। They want to go wrong way, let them go. We can't do anything about it. यदि वे गलत रास्ते में जाना चाहते हैं, तो हम उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। We are going to make sure that our own family is going to grow up in a God-fearing way. परंतु हम इस बात का निश्चय करेंगे कि हमारा स्वयं का परिवार परमेश्वर का भय माने। The first people whom God spoke about. और सबसे पहला व्यक्ति जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, अनु भी ऐसा एक व्यक्ति था। What do we know about Noah? अनु के विषय में हम क्या जानते हैं? One thing about the sermons he preached. और मैं अनु के एक भी संदेशों के विषय में नहीं जानता जो उसने प्रचार किया होगा। But I know one thing that his three sons and their wives were all God fearing. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसके तीनों बेटे और तीनों बहुएं जो थी परमेश्वर का भय मानते थे। Respected their father and got inside the ark. और वे अपने पिता का आदर करते थे और इसीलिए वे जहाज के अंदर गए थे। That's what I learned about Job. That's what I learned about Noah. यही बात तो मैं नूह से सीखता हूँ और अय्यूब से सीखता हूँ। They were strict fathers. और वे बहुत ही कठोर अनुशासन वाले पिता थे। They didn't just allow their children to grow up as they like. और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे ही खुली छूट नहीं दी थी बड़े होने के लिए। They said, "Children, you must fear God." और उन्होंने उनसे कहा था, बच्चों तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है। I don't want to be a popular father with you. I want to make sure you walk in God's ways. और मैं तुम्हारे बीच में प्रसिद्ध पिता नहीं बनना चाहता, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर का भय मानो। I want to protect you from the devil. और मैं तुम्हें शैतान से बचाना चाहता हूँ। If I protect you from the devil, you'll be able to protect your children from the devil. यदि आज मैं तुम्हें शैतान से बचाऊंगा, तो तुम अपने बच्चों को शैतान से बचा पाओगे कल को। So many careless fathers and mothers in the world today. और आज बहुत सारे लापरवाह माताएं हैं, बहुत सारे लापरवाह पिता हैं जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। Remember when God wrote a book. याद रखें जब परमेश्वर ने पुस्तक लिखा, जब सबसे पहली पुस्तक उसने एक मनुष्य के विषय में लिखा, एक परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य, जो स्त्री को नहीं देखता था, who would bring up his children in a God-fearing way. और जो अपने बच्चों का परमेश्वर के भय में बड़ा करता था, who would boast about to Satan. और इसके विषय में परमेश्वर शैतान के सामने घमंड कर सकता है। God could not speak about anybody else on the earth. परमेश्वर किसी और के विषय में नहीं कह पाया संसार में। You know, I think Satan came to say, God, a lot of people who take your name, they're all hypocrites. और मुझे लगता है कि शैतान परमेश्वर के सामने यह बोलने आया होगा कि बहुत सारे लोग जो तेरा नाम लेते हैं, वे सब के सब पाखंडी हैं। God, you know that better than me. परमेश्वर तू मुझसे बेहतर इस बात को जानता है। All your people are hypocrites. तेरे सारे के सारे लोग पाखंडी हैं। They sing wonderful songs on the Sunday. और संडे के दिन वे अद्भुत गीत गाते हैं चर्च में। They're all seeking their honor. और वे सब अपना आदर खोजते हैं। And they're got secret sin in their life. और उनके जीवन में गुप्त पाप पाए जाते हैं। God says, परंतु परमेश्वर कहता है, ये सत्य है, परंतु have you seen Job? क्या तुमने अय्यूब को देखा है? And Satan says, that's only one man. और शैतान कहता है, वो तो एक ही आदमी है ना। One man is enough. और परमेश्वर कहता है, एक आदमी ही पर्याप्त है। There's a man who will be a testimony for my name on the earth. और वो एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे नाम के लिए संसार में गवाही के तौर पे खड़ा होगा। The same thing today. और आज भी वही बात होती है। When it comes to God, शैतान परमेश्वर के सामने आता है। कंडीशन ऑफ दीस पीपल हु कॉल देमसेल्व्स बिलीवर्स। और वो कहता है, इन लोगों की स्थिति को देख जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। लुक एट देयर प्राइवेट लाइफ। और इनके गुप्त जीवन को तू देख परमेश्वर। लुक एट देयर फाइनेंशियल मैटर्स। और इनके आर्थिक संबंधों को देख। एंड दी सो कॉल्ड प्रीचर्स एंड पास्टर्स हु रिप्रेजेंट योर नेम गॉड, सी व्हाट लवर्स ऑफ मनी दे आर। और ये नामधारी पास्टर और प्रचारक लोग जो तेरे नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कैसे रुपए से प्रेम करते हैं, कैसे रुपए की आराधना करते हैं, तू देख प्रभु। गॉड सेज, या दैट्स ट्रू। परमेश्वर कहता है, हाँ ये सत्य है, परंतु have you seen this person? क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? And that person? क्या तुमने उसको देखा है? In that village? और उस गांव में उस व्यक्ति को देखा है? And that person in this city? और इस शहर में इस व्यक्ति को देखा है? I have got a few people in Tamil Nadu. और तमिलनाडु में मेरे कुछ ऐसे गिने चुने लोग पाए जाते हैं। in India.
और भारत देश मेरे कुछ गिने चुने लोग हैं। A few people in the world और पूरे संसार मेरे कुछ गिने चुने लोग हैं। Who are different from the ones you're talking about? और जिन लोगों के विषय में तू बात कर रहा है उनसे ये लोग भिन्न हैं। They fear me। वे मेरा भय मानते हैं। They don't gaze at women। और वे स्त्री के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालते हैं। They turn away from evil। और वे बुराई से दूर हटते हैं। They have a concern for the glory of my name। और मेरे नाम की महिमा के लिए वे चिंता और परवाह करते हैं। They don't love money। वे पैसे से प्यार नहीं करते। They are blameless। और वे निर्दोष हैं। They are upright। वे खड़े हैं। Some of them may not be great preachers। और उनमें से बहुत सारे लोग अद्भुत प्रचारक नहीं हैं। They are holy people। परंतु वे पवित्र लोग हैं। Turn away from evil। वे बुराई से दूर हटने वाले हैं। And have you seen how this person and that person and brought up his children? और क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा कि कैसे उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है? Their children are all wayward। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जिनके बच्चे बिगड़ैल हैं। Yes। हाँ। Have you seen this one? परंतु क्या तूने इसको देखा है? क्या तूने उस प्राचीन को देखा है? और उस प्राचीन को देखा है? How they have brought up their children? और देख कैसे उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है? Blameless। निर्दोष। Upright। खरा। And the devil says, but what about his wife? लेकिन शैतान का एक उसकी पत्नी के विषय में क्या? Don't worry about his wife। प्रभु का एक उसकी पत्नी की चिंता मत कर। मनुष्य को देख। It's a testimony for me। उस पुरुष को देखवा मेरे लिए गवाही है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, be a person like that। उस प्रकार के एक व्यक्ति बने Don't आप। Care for the empty approval of people in your church। और मनुष्यों की खोखली स्वीकृति के लिए जो आपके कलीसिया में है, आप लालसा ना करें। Some of them think you're a great man of God। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप परमेश्वर के महान जन हैं। The question is, can God boast about you to Satan? परंतु प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर आपके लिए शैतान के सामने घमंड कर सकता है? Verse 8। आठवां वचन पढ़ेंगे। There is no one like him in the whole earth। और मेरे दास के तुल्य सीधा खरा कोई नहीं है इस पूरे संसार में। There is no one like him in the whole earth। और मेरे दास के समान कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। Imagine if God can say that। और कल्पना करें यदि परमेश्वर आपके लिए ऐसा कहे तो। There is no one like that person in the whole of Tamil Nadu। और पूरे तमिलनाडु में उस व्यक्ति के जैसा कोई और नहीं है। There is no woman like that in the whole of Tamil Nadu। और उसके जैसे कोई और दूसरी स्त्री नहीं है पूरे तमिलनाडु में। If God can say that, यदि परमेश्वर ऐसा कह दे तो, what more do you want? तो इससे बढ़कर के आपको और क्या चाहिए? Do you have a longing? क्या क्या आपके हृदय में एक ऐसी लालसा है कि हे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तेरा नाम मेरे जीवन से महिमा में पाए और ऐसी मसीहत के बीच में जो तेरे नाम की निंदा करती है। I want to be a person who honors you। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो तेरा आदर करे। Who obeys your word 100%। जो 100% तेरे वचन का पालन करे। Not modify or change anything in your word in any area। और तेरे वचन के किसी भी क्षेत्र में कोई मिलावट न करे ऐसा व्यक्ति। Who will build my home the way you want it built? और जो अपने घर का निर्माण वैसा ही करे जैसा तू चाहता है। Who will bring up my children the way you want children to be brought up? और जो अपने बच्चों का वैसा ही पालन पोषण करे जैसा आप चाहते हैं कि वो पालन पोषण करे। And with my little ability, और मेरी थोड़ी सी योग्यता के साथ, I want to build a church even if it's a very small church। मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ उस कलीसिया को भले ही छोटी क्यों ना रहे। It doesn't matter if it's not a big church। और उससे कोई मतलब नहीं यदि बड़ी कलीसिया नहीं है तो। Small church, यदि वो छोटी भी है तो। But a church exactly according to your word in the New Testament। परंतु ऐसी कलीसिया जो तेरे नए नियम के वचन के अनुसार आधारित कलीसिया हो। Lord, please help me। प्रभु मेरी सहायता कर। That you can point out at least one church to the devil and say, there is a church according to my word। कि कम से कम वह शैतान को एक कलीसिया दिखा करके कह सके कि वह कलीसिया है शैतान देख ले। How many of you elders have a burden like that? और आप में से कितने प्राचीनों के अंदर ऐसा बोझ पाया जाता है? Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this should be our longing। यह हमारी लालसा होनी चाहिए। God is calling out of the nations of people for his name। परमेश्वर राष्ट्रों में से अपने नाम की महिमा के लिए लोगों को बुला रहा है। Be satisfied that you're going to heaven when you die। और इस बात से आप संतुष्ट ना रहे कि मरने के बाद आप स्वर्ग जा रहे हैं। Before I go, I want to glorify God's name on the earth। और इससे पहले कि मैं स्वर्ग जाऊं मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता हूं पृथ्वी पर। Why do I preach so much? You must be filled with the Holy Spirit all the time। और मैं क्यों आपसे हर समय यह कहता हूं कि आपको पवित्र आत्मा से हर समय भरे जाना चाहिए? We need to be cleansed in the blood of Jesus Christ to go to heaven। हमें यीशु मसीह के रक्त से धुलने की आवश्यकता है स्वर्ग जाने के लिए। That's enough। यह पर्याप्त है। You don't need to be filled with the Holy Spirit to go to heaven। और स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत नहीं है। So if you are only interested in going to heaven, you will never seek to be filled with the Holy Spirit। और यदि आप केवल स्वर्ग जाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे। Why did I seek God to be filled with the Holy Spirit? मैं क्यों परमेश्वर को खोजता हूं ताकि वह मुझे पवित्र आत्मा से भरे? Honestly,
मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, स्वर्ग जाने के लिए नहीं खोजता हूं मैं। Place in heaven was already reserved. स्वर्ग में मेरी जगह पहले से आरक्षित करके रखी गई है। Because I had turned from sin and asked Jesus to cleanse my dirty heart with His blood. क्योंकि मैं पाप से मुड़ गया और मैंने यीशु से प्रार्थना की है कि मुझे मेरे हृदय को अपने लहू से धोए। I sought to be filled with the Holy Spirit because I wanted to be a witness for God on the earth. और मैं संसार में मसीह का गवाह होना चाहता हूँ, इसलिए मैं पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरे जाने को ढूंढता हूँ। And if you don't seek for that earnestly, और इसे यदि आप उसे गंभीरता से नहीं खोजते हैं, you're a selfish person who's only interested in going to heaven when you die. तो आप एक स्वार्थी व्यक्ति होंगे जो केवल स्वर्ग जाने में दिलचस्पी रखते हैं अपने मरने के बाद। You don't want to be a witness for God on the earth. और आप संसार में रहते हुए परमेश्वर के गवाह नहीं बनना चाहते हैं। There's only one way to be a witness for God on the earth. और केवल एक ही रास्ता जिसके वजह से आप परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। Filled with the Holy Spirit every day. यदि आप पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरते हैं तो ही। Not just once in the past. और एक बार नहीं, भूतकाल में जब आप भर गए थे। This is the mistake that many Christians have made. और मैं मानता हूं कि अब गलती जिसे बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं। Have you been baptized in the Holy Spirit? और वे हमेशा यह पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ है? All right, you're born again once. हाँ, born again जो होता है वो नया जन्म, वो एक बार होता है। The Holy Spirit is not once. लेकिन पवित्र आत्मा से भरा जाना एक बार नहीं होता है। Made that mistake thinking that is once. और बहुत सारे लोगों ने यह गलती की कि पवित्र आत्मा से भरा जाना केवल एक बार होता है। And they say, yeah, 25 years ago. और वे कहते कि हाँ, 25 साल पहले मैं भरा था। That's like asking a person, were you healthy 25 years ago? तो ठीक वैसा ही जैसे एक व्यक्ति से पूछा 25 साल पहले कैसे स्वस्थ था। हाँ, वो कहेगा हाँ, मैं 25 साल पहले बहुत ही ज्यादा स्वस्थ था। I'm full of sickness now. लेकिन अब मैं बीमारी से भर गया हूँ। Do you want to be like that? क्या आप ऐसे होना चाहते हैं? नहीं। I want to be filled with the Spirit today. मैं आज पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहता हूँ। I filled with the Spirit yesterday. क्या तुम पवित्र आत्मा से कल भरे थे? That was good enough for yesterday. लेकिन वो कल के लिए ही पर्याप्त था। I want to be filled with the Spirit today. मैं आज भी पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहता हूँ। To be a witness for God today. ताकि मैं आज उसके लिए गवाही बन सकूं। I'm so disappointed when I see young brothers who should be on and sisters who should be on fire for God who are so sluggish. और मैं बहुत ही ज्यादा निराश होता हूं जब मैं देखता हूं कि जवान भाई और बहनों जिन्हें परमेश्वर के लिए गवाही होना चाहिए था वो इतने ज्यादा उदास और मायूस से हो पाए जाते हैं। I'm 70 years old. You guys should be much more on fire than me. मैं 70 साल का हूं लेकिन आपको तो मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर के लिए अग्नि से ज्वलन होना चाहिए। Young people and I stand on the road and run and have a race. यदि आप जवान लोग और मैं रोड पे खड़े होकर के दौड़ लगाएंगे तो Who's going to win? कौन जीतेगा? I'll tell you, I can't win. I can't run. Even when I was young, I was not very fast. और मैं आपको बता देता हूं कि मैं नहीं जीतूंगा क्योंकि मैं जब जवान था तब भी मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। You will win definitely. आप निश्चित तौर पे जीतोगे। Why can't you be more on fire for God than me then? तब आप मुझसे ज्यादा क्यों परमेश्वर के लिए अग्नि से नहीं जल सकते हो? Those apostles were 30 years old and they were on fire for God. और वे जो प्रेरित लोग थे वे 30 वर्ष की आयु के थे लेकिन वे परमेश्वर के लिए जल रहे थे अग्नि में। परमेश्वर चाहता है कि आप वैसे ही बने। God wants you to set other people on fire. परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरे लोगों को अग्नि में स्थापित करें। I'm sure that Job's influence had a great a life had a great influence on his children. और मैं आशा करता हूँ कि अय्यूब का जो जीवन था उसके बच्चों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला होगा। He might not have been a great preacher. वो बड़ा प्रचारक नहीं रहा होगा। The Lord didn't say to Job, say to Satan, have you heard anybody preach like Job? और परमेश्वर ने शैतान से कभी नहीं कहा कि क्या तूने किसी को सुना जो अय्यूब के समान प्रचार करता है? He's looking for godly men, even if they can preach or not preach. परमेश्वर भक्ति में पुरुषों को देख रहा है, चाहे वे प्रचार कर पाएं या ना कर पाएं। Sometimes we are ambitious for the wrong thing. और कई बार हम लोग जो है वो गलत चीजों के लिए उत्सुक होते हैं और आशा लगाते हैं। I have told people. मैंने लोगों से कहा है। You should never pray that God will help you to preach like me preach. हाँ, मैंने लोगों से कहा कि तुम कभी भी ऐसी प्रार्थना ना करना कि परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे मेरे जैसे प्रचार करने के लिए। That is, God can give that gift to you in a moment. ऐसा वरदान तो परमेश्वर आपको एक मिनट में दे सकता है, लेकिन वो आपको आत्मिक नहीं बनाएगा। You must long to be holy. आपको इस बात को खोजना है कि आप पवित्र बने। If you don't see holiness in me, there's nothing to copy me in. यदि आप मेरे अंदर पवित्रता नहीं देखते हैं, तो मेरे में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसकी आप नकल करें। If you don't see humility in me, there's nothing to imitate me in. यदि आप मेरे अंदर नम्रता नहीं देखते हैं, तो मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं जिसको आप नकल कर सकते हैं। If I have not brought up my home properly, it's no use imitating me. यदि मैं अपने घर का अच्छे से पालन पोषण नहीं किया, तो आप मेरी नकल ना करें। Don't ever long for anybody's gift. आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के वरदान की लालसा ना करें। I want to be a godly person. और कहिए कि मैं एक भक्ति में पुरुष बनना चाहता हूँ, अय्यूब के समान, पौलुस के समान, पत्रस के समान, यद्यपि मैं प्रचार ना कर पाऊं। I can't sing.
यदि मैं गीत भी नहीं गा पाऊं, लेकिन मैं भक्ति में पुरुष बनूंगा। प्रभु अपने नाम के लिए संसार के अनेक राष्ट्रों से लोगों को बुला रहा है। The name of Jesus is so dishonored in India. और आज भारत देश में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। By Christians. मसीहियों के द्वारा। Who are the people dishonoring the name of the Lord in India? और वे कौन लोग हैं जो आज भारत देश में मसीह के नाम की निंदा कर रहे हैं? मसीही लोग ही कर रहे हैं। Not non-Christians. गैर मसीही लोग नहीं। They don't take the name of Christ. और वे मसीह के नाम को नहीं लेते हैं। The name of Christ will dishonor Christ. और वे लोग जो मसीह का नाम लेते हैं वही उसके नाम की निंदा भी करते हैं। और ऐसी मसीहियत के बीच में परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम भक्ति में जीवन जिएं, पवित्र जीवन जिएं, और शुद्ध आंख रखें, कंट्रोल टंग, और अपने जुबान को नियंत्रित रखें, राइट अपराइटनेस इन मनी मैटर्स, और पैसे के लेन देन में हम खराई और ईमानदारी से बर्ताव करें, विद अ हार्ट दैट लव्स अदर्स, और एक ऐसा हृदय रखें जो दूसरों से प्यार करे, विद अ ह्यूमिलिटी दैट्स, और नम्रता की आत्मा अपने अंदर बनाए रखें। मे गॉड हेल्प अस, प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। Bow our heads before God. परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे। Ask God to help us. और परमेश्वर से कहे हमारी सहायता करें। People cannot live this life if you are not filled with the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो आप इस जीवन को कभी नहीं जी सकते हैं। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। Help us to be what you want us to be on this earth. हमारी सहायता करें कि हम वे बन सके जिसे आप चाहते हैं इस पृथ्वी पर बनने के लिए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।